Concert bonanza at Haringajao draws huge audience. There has been criticism from some leaders who never think of people's entertainment or happiness, but such concerts or cultural activities kept thousands of Haringajao people spellbound till midnight without any untoward incident. Performances of Bollywood comedian and actor Krishna Abhishek and Malini Rai from Nepal at Haringajao paved the way for the people to witness the performances of famous celebrities right at their doorstep. Executive member, also the local MSC Amendo Hojai, reacting to the criticism, said that this concert bonanza has been organized in assistance from various corner and with the donation from BJP workers and well-wishers. This concert bonanza is to entertain the people of Haringajao at a large, who seldom gets the opportunity to witness the performances of famous celebrities. He also invited them who criticize such cultural activities where people enjoy to their fullest term. People were amazed by the maintenance and arrangement of cleanliness around the ground and also the stalls put up there. और इतना बड़ा स्टेज बनाया, वो तो बोलने वाला बोलेगा। जो आज मतलब मेन है, हम लोग इस जो इस प्रोग्राम को चलाने में, हम लोग जितना हम लोग कहेंगे बीजेपी के वर्कर लोग सब डोनेशन हम लोग करके इसका हम लोग प्रोग्राम चलाया है। और इसमें भी हम लोग जैसे कि आदमी लोग जितना सोचते बजट इतना करोड़ होगा, करोड़ में नहीं पहुँचा, हम लोग बजट बहुत कम है। स्टेज पर अपना जाना पहचाना वाला है, इसलिए वो भी मतलब हम लोग को हेल्प किया है। साउंड भी हम लोग का अपना ही गुवाहाटी का जाना पहचाना है, हम लोग बिकी भाई लोग है, वो लोग ही हम लोग को साउंड दिया है। सब मतलब डोनेशन में हुआ है, खाली हम लोग के बाहर का सिंगर लोग हम लोग खाली बुकिंग करके ले आने लगा और बैठ ठीक है। वो तो आप लोग मालूम है, मतलब मैं जिसे देखिए वो लीडर, तो उसका साथ मैं दो बार इलेक्शन में तो शादी दिया है। मैं उस टाइम मैं सिक्स फेयर में था, डायरेक्ट बोलेगा उनसे। उस टाइम में सिर्फ कांग्रेस दो सीटें जीता था, खारटोंग और हरंगजो, कांग्रेस का टाइम में। उसमें हम लोग को मदद मांगा था, हम लोग मदद करके जिताया भी है। फिर उसका बाद वो सीएम मिला, हम लोग उसका बाद वो सीएम के पास गया, जाके हम लोग बोला हरंगजो में हम लोग का जो उस टाइम आईओआई बोलता ना आईओआई गौर, हम लोग जोबान दिया था हम हरंगजो जो नेपाली बस्ती को, उन लोग का 14 आईओआई को आप लोग मतलब हम देगा बोल के वादा किया था उसका कैंपिंग में। बाद में सीएम मिलने के बाद उसको जाने में उसको मांगने में कहाँ दिया ही नहीं। और दूसरा बात हम बोला देखो स्कूल बनाना है, रास्ता बनाना, उसको हमको मदद कीजिए। आप तो मतलब सीएम हो गया उस टाइम में क्या किया, कुछ ही नहीं किया। आप लोग जाके मतलब अगर हरंगजो में आप लोग हर गांव में जाइए, हरंगजो 52 विलेज है, हर गांव में जाइए, मतलब वो लोग का टाइम में क्या डेवलपमेंट है, एक चीज़ भी देखने नहीं मिलेगा, एक सुई भी। जैसे कि अभी हम लोग का टाइम में मतलब जितना भी गांव में पानी बोरो नारीपुर में जाके देखिए पानी का हम लोग काम चल रहा है, रास्ता कंप्लीट, गांव में मतलब पूरा सोलर लगा दिया, अभी ओडेत्र मॉल बन रहा है, मतलब जैसे कि लाइट का भी काम चल रहा है। तो हरंगजो रास्ता भी देखिए, हम 7 साल में हाँ हम ईएम होके हम इतना बना सकते हैं, तो आप सीएम होके क्यों मतलब हरंगजो वासी लोग को आप आगे बढ़ाने नहीं सकते, क्योंकि सीएम मतलब हो गया डिमास हो गया गार्जियन। तो पहले में आप सीएम 6 महीने रहने में आप क्यों डेवलपमेंट नहीं किया, 5 ईयर्स में 5 साल हो जाएगा, 5 ईयर्स होगा आएगा इलेक्शन के लिए, मतलब 5 साल के बाद कहाँ जाता वो मालूम नहीं। हमारा सोच है कि आप अगर इलेक्शन ही खेलना है तो 5 साल यहाँ बैठो, बुजुर्गों से मिलो, हाँ यूथ लोग से मिलो, जनता से मिलो, 5 साल यहीं बैठो। जैसे कि खेत करने में भी हाँ खेत किया है, धान अच्छा हुआ ना नहीं बातचीत करो, हाँ कोई बीमार है आपका बीमार ठीक है, चलो हम पैसा से कुछ तो मदद करना चाहिए, चलो हम मेडिकल तो गाड़ी से पहुँचाएगा वो करो, लेकिन मतलब इलेक्शन सामना होगा तब आएगा। जैसे जुग होता ना बारिश टाइम में जो जुग निकलता है, बारिश को टाइम जैसे सूखना दिन तो जुग हमें चला जाता मालूम नहीं। ये इसलिए हम लोग तो स्पीच भाषण भी इतना नाम तो नहीं सकता, लेकिन उसका तो स्पीच भी बहुत यो है, हाँ आदमी को गुमराह करता है और हम लोग को बोलता लिखा पढ़ा नहीं, लेकिन उस वही हमको पॉलिटिक्स सिखाया। अभी उसने हमको पॉलिटिक्स सिखाया पहले में, अभी वो हमसे इलेक्शन जीतेगा उनसे हमसे पॉलिटिक्स सीखने लगेगा, उससे हम आगे है पॉलिटिक्स में। सबसे अभी डेवलपमेंट टाउन में सबसे
हरंगा जो ऐसे फास्ट तो नहीं हाँ, अभी हो रहा है। हम लोग सोच रहे कि हम लोग सी एम सर डेवलप गोल्डरसन ने बोला हम लोग का जो डिमासव को जो असम से हम लोग 5 नंबर में डेवलपमेंट आगे ले जाएगा टूरिस्ट में टूरिज्म में भी। हम लोग भी वही सोच रहे हैं कि हम लोग भी वही 5 नंबर में हम लोग जो डिमासव से हम लोग भी फिर हरंगा जो 5 नंबर में रहो वही डेवलपमेंट टूरिज्म एजुकेशन में हो स्पोर्ट्स में वही ठीक है। थैंक यू।